गाइस वेलकम टू फूड फन एंड फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई का स्ट्रीट फूड मसाला पाव, जो कि एक तो बहुत आसानी से बन जाता है, स्पेशली अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं और आपके पास ऐसा कुछ स्पेशल घर पे नहीं है। सिंपल इंग्रेडिएंट से आप ये ऐसा अमेजिंग डिश बना सकते हैं जो सबको पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने पाव ले लिए हैं, रेगुलर पाव हैं। इसके अलावा मैंने बारीक कटे हुए टमाटर, बहुत ज़्यादा बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोटा मोटा अच्छा नहीं लगता इसमें। मैंने बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च लिया है, हरा धनिया, अदरक और लहसुन को ऐसे क्रश कर लिया है, पाव भाजी मसाला लिया है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, बटर लिया है और थोड़ा चीज़ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मसाला पाव बनाने के लिए मैंने एक बड़ा पैन लिया है। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो तो बड़े तवे पे बनाते हैं, मोटा वैसा तवा मेरे पास नहीं है, तो ये बड़ा सा जो नॉनस्टिक पैन मैंने लिया है, इसमें मैंने ये बटर डाल दिया है। ये बटर मेल्ट हो गया है ऑलमोस्ट, इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ। बहुत ही फास्ट बनने वाली रेसिपी है, सब कुछ बेसिकली साथ में आप डाल सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी है, अदरक लहसुन भी डाल दिया है। अब पहले हम इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से पकने देंगे बटर के साथ। देखिए प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से पक गए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट तो और आराम से पक जाता है। ये देखिए अच्छे से पक गया है। इस टाइम पे मैं ये कटा हुआ बहुत सारा हरा धनिया डाल दिया है, टमाटर डाल दिए हैं इसी के ऊपर। अब इसी के ऊपर हम सूखे मसाले डाल देते हैं, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर जितना आप तीखा खाना चाहें, नमक स्वादानुसार, ये पाव भाजी मसाला, और इसको मिक्स कर देते हैं और अब हम इसे ढक के पकने देंगे। ये मसाला हमने करीब 3 मिनट ढक के पकाया। देखिए अब इस टाइम पे हम इसे, ये जो पोटैटो मैशर होता है, इससे इस तरह से मैश करके यूनिफॉर्म कर देंगे। मसाला यूनिफॉर्म हो गया है, कंसिस्टेंसी ठीक है। अगर आप थोड़ा पतला करना चाहें तो थोड़ा सा पानी डालें और उबलने दें थोड़ा, इससे पाव वो पानी सोखता है तो वो टेस्ट अच्छा आता है। चलो पानी भी उबलने लगा है। इस टाइम पे हम ये मसाला साइड में कर लेते हैं और बटर डाल देते हैं, और इस बटर से हम हमारे पाव सेक लेंगे। देखिए पाव सिक गए हैं, भाजी भी हो, ये जो मसाला है वो भी हो गया है। मैं गैस बंद कर देती हूँ, इसमें थोड़ा चीज डाल देते हैं और बस अब हम मसाला पाव रेडी करने के लिए तैयारी करते हैं। ये पाव लेंगे, इसके ऊपर ये मसाला लगाएंगे, बेसिकली पूरा कवर ही कर देते हैं स्ट्रीट में तो। और ये हमारा एक मसाला पाव बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से दूसरा बना देते हैं। चीज़ी, स्पाइसी और बटरी मसाला पाव बनके रेडी है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है और बहुत ही टेस्ट में यमी है। इसे आप कभी भी बना सकते हैं, आसानी से बन जाता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।